Hey friends, welcome back to our new video. तो आज हम करने वाले हैं 20, 50 और 100 रुपीस फूड चैलेंज। तो आज की ये 20, 50 और 100 रुपीस फूड चैलेंज में क्या होने वाला है और हम क्या क्या खाने वाले हैं और किस हिसाब से खाने वाले हैं, वो सारी चीजें जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बिना लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। दोस्तों, हम आपको हमारी फेवरेट ऑनलाइन गेम दिखाने जा रहे हैं। ये गेम काफी एक्साइटिंग है और फोरा प्लेटफॉर्म का इंटरफेस कन्वीनियंट एंड क्लियर है। हमने आपको लास्ट वीडियो में ही हमारे फेवरेट ऐप के बारे में बताया था और आज फिर से बताने जा रहे हैं। अगर आप अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको फर्स्ट डिपोजिट पर 700% बोनस मिलेगा और आप हमारा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद हम डिपोजिट करके बोनस रिसीव कर लेते हैं। यहाँ दिख रहे सभी डिपोजिट मेथड से आप डिपोजिट कर सकते हैं और यहाँ हमने 2500 डिपोजिट कर दिए। फोरा का इंटरफेस इनक्रेडिबल है, आपको एवेटर इजीली मिल जाएगा। ये हमारी फेवरेट गेम है, ये बहुत इजी और एडिक्टिव है। रूल्स बहुत सिंपल है, आपको प्लेन के जाने से पहले कैश आउट प्रेस करना है। तो चलिए आपको एवेटर खेल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1500 रुपए लगाए, ऑड्स बढ़ना शुरू हो गया है और ये कैश आउट प्रेस किया एंड वाओ, हम 6090 रुपए जीत गए। हम फिर से 1500 रुपए लगाते हैं, ये कैश आउट प्रेस किया, यस, हम 5745 रुपए जीत गए। और अब हम हमारी विनिंग्स 11000 रुपए विड्रॉ कर लेते हैं। ये क्विक एंड इजी है। पिन कमेंट में दी गई लिंक पर जाइए और गेम एंजॉय कीजिए। गुड लक विद फोरा। तो जैसे कि आपको बताया कि आज हम कौन सी चैलेंज करने वाले हैं, तो भाई आज की चैलेंज के लिए हमारे पास है 20 रुपए, ओहो 50 रुपए, वाह भाई वाह, और आखिर में है 100 रुपए। तो भाई आज हमको ये तीनों तीन नोटों की हेल्प लेकर चैलेंज कंप्लीट करनी है। तो आज के चैलेंज में एग्जैक्टली क्या होगा वो विश्व बताएगा। तो भाई देखो, पहला जो लेवल होगा वो होगा 20 रुपए का। तो 20 रुपए में आकाश भाई को कोई एक चीज लेके आनी है और 20 रुपए में मुझे एक चीज लेके आनी है, लेकिन वो चीज ऐसी होनी चाहिए, मतलब खाने की है। हाँ, खाने वो की तो बोल तो खाने की भाई, ये हमारी चैनल ही खाने के ऊपर है। हाँ, तो भाई वो खाने की चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे भाई खाने के बाद पेट में संतोष हो, एक आधार हो, पेट भर सके। ऐसा नहीं कि 20 रुपए की जाकर आप ऐसे ही कुछ वो पानी की बोतल लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खाने में पेट में कुछ वजन गिरे। इन शॉर्ट भाई, आपको भूख लगी हो तो आपकी भूख को वो चीज मार सके, वैसी चाहिए। और सेकंड लेवल में हमको वही सेम चीज करनी है 50 रुपए में। भाई 50 रुपए में फिर जो भी चीज आएगी वो लेनी है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 रुपए में लेनी है तो एग्जैक्ट 50 रुपए की आनी चाहिए। भाई 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 50 से नीचे तो होगी तो चलेगी। हाँ, 45 होगा, 40 होगा, 47 होगा, 48 होगा, तो भाई वो सब चलेगा। और फिर थर्ड लेवल में हमारे पास होंगे 100 रुपए। तो भाई ये 100 रुपए में से कौन कितनी बेहतरीन चीज लाता है। और भाई ये जो जितने भी पैसे बताए ना, ऐसा नहीं कि 100 रुपए में से हम दोनों को खरीदना है। भाई 100 रुपए में से एक चीज विश्व लेकर आएगा, एक चीज 100 रुपए की मैं लेकर आऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि भाई दोनों में से 100 रुपए या 50 रुपए या 20 रुपए, तीनों तीन की चीज भाई कितनी वो क्या बोलते हैं, भूख के सामने भारी पड़ती है। मतलब भूख लगती है तो वो उसको खत्म करने की ताकत रखती है। ये वीडियो का हमारा मेन मोटो ये है कि भाई अगर जो कोई व्यक्ति ऐसे हो गए जिनको कम पैसे में ज्यादा टाइम तक क्या बोलते हैं, खाना लाना है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और ऐसा भी होना चाहिए कि भाई वो खाने के बाद अच्छा भी फील हो हमको। हाँ, मतलब कम प्राइस में ज्यादा संतोष मिले, वैसी चैलेंज है ये। तो चलिए अभी फटाफट से निकलते बाहर और आज की चैलेंज शुरू करते हैं। तो भी ये 20, 50 और 100 वाली में से भी फर्स्ट हमारी चैलेंज होगी 20 रुपए वाली। तो भी 20 रुपए में विश्व कुछ ऐसी चीज हमको लेकर दिखाएगा या खाकर दिखाएगा जिससे भाई संतोष मिले, पेट को आधार मिले। भाई ऐसा तू 20 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक पी लेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं नहीं भाई, वैसे देख मैं अभी ऐसी चीज लेके आऊंगा ना कि भाई वैसे तू भी नहीं ला सकेगा। ओहो, तुझे भी हराना है ना एक तरह से देखने जाए तो। और वैसे एक दूसरे की चीजें रिपीट नहीं करनी है, पहले बोल देता हूँ। वही तो, सबसे पहले अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो भाई मुझे धक धक हो रहा है। भाई अभी देख मैं कहाँ पर आ गया हूँ। ओ भाई साहब, ये तो बंद समोसा। ओ बंद समोसा, ओ माय गॉड, 20 रुपए में बंद समोसा खाएगा। प्राइस कितनी है भाई?
₹15 का है सबसे सस्ता। हाँ तो जा फटाफट जा, अभी विश्व जो भी लाएगा ना मेरे को उससे तगड़ा को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो भाई फिर विश्व जीत जाएगा ना ये लेवल। ये देखो भाई चटाका बन समोसा 15, फिर तूफानी बन समोसा 25, तो भाई वो हमारे बजट से बाहर है। तो अभी तो भाई सिर्फ एक ही चीज है जो बजट के अंदर है, और वो भी विश्व को देते है या नहीं भगवान जाने, ऐसा ना बोल दे कि भाई वो खत्म हो गई है। ओ भाई साहब हैवी है विश्व, ये खा के पक्का पेट तो भर ही जाएगा। पेट भी भर जाएगा, और भाई मैंने ना पूछा था कि एक्स्ट्रा समोसा है कि नहीं, तो उनके पास नहीं है एक्स्ट्रा समोसा, नहीं तो भाई अगर समोसा होता ना तो मैं अलग से एक ले लेता। तो भाई तो ₹20 में ना एक समोसा भी आ जाता और एक ये जो बन समोसा है ना वो भी आ जाता। भाई टेस्ट करके बता कैसा है भाई। तो भाई ये पहली चीज जो विश्व ने ₹20 में ली है, वैसे एक ही चीज देनी थी ₹20 में। भाई एक ही बाइट में ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया। चल अभी इतना भी नहीं है, वो मेरे को भी जज करना है ना, लाभ मेरे को भी खिला। एक ही बाइट में भी एकदम ऐसा वो फील होता है कि भाई ये है भाई हैवी है, हैवी है, हैवी है। सही है भाई, भाई विश्व सही में तगड़ी चीज लेकर आया है। ₹20 में अगर आपको पेट भरना है और आपके वहां अगर बन समोसा ₹20 के अंदर अंदर मिल जाता है तो भाई जरूर खाना। जबरदस्त चीज है भाई। भाई क्या भाई चीज है। तो भाई अभी मेरी बारी है ₹20 की चीज ढूंढने की, तो फटाफट जाना था, मैं तेरे को जिधर बताता हूँ उधर मैंने कुछ सोच के रखा है। अच्छा भाई मेरी टक्कर का ही होगा है ना। टक्कर नहीं भाई, तेरी टक्कर से भी बहुत ऊपर का है ये। मुझे भी टेंशन हो रही है अभी भाई, ₹20 में क्या क्या लेके आएगा। ₹20 में तेरे को दाल भात रोटी सब्जी बस भाई उधर रोक दे, ये जो दिख रहा है ना सामने फ्रूट का थैला भाई पता लग गया तू केला लेगा केला। अबे साले अनाप शनाप बक रहा है कुछ भी भाई, केला खाएगा। अरे तू अभी देखना मैं कौन सा फ्रूट खाता हूँ। ₹20 लाओ भाई 500 ग्राम। भाई ₹40 किलो केले, मेरे को 500 ग्राम मिल गए ₹20 में। ये देखो भाई ये रहा। अरे मेरे को ज्यादा ही मिल गया 552। वाह जी वाह, मेरे को 52 ग्राम ज्यादा मिल गया और हेल्दी भी। वाह 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 वाह, अभी मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोल मैं जीता कि नहीं। थैंक यू भैया। भाई तूने तो बाजी ऐसी पलट दी। लेकिन भाई ये देखो कितने सारे केले और कितने पीले पीले है भाई। पीले पीले नहीं है, खाले खाले लेकिन छोटे छोटे है भाई। अरे तो क्या हुआ पेट भाई, 550 ग्राम केला नंग आपको काउंट करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केले भाई, 7 केले। मैं सच बोलू ये तो थोड़ी थोड़ी देर में तो खाएगा ना, तो तेरा पूरा दिन भी निकल सकता है इसमें। वही सही है भाई, टेस्ट करते हैं भाई ये केले कैसे, कच्चे तो नहीं है ना, अगर कच्चे होते हैं तो दूसरे दिन खाने के तो थोड़े पक्के हो जाते हैं ना। भाई केला तो अच्छा ही आता है, मतलब कच्चा नहीं है हाँ। प्रॉपर पका हुआ है। वाह जी वाह, ₹20 में तो यार सच में बाजी मार ली मैंने भाई। ला हाथ में ला भाई, इतने किले में तो है ना 2 लोगों का पेट आराम से भी भर जाएगा एक टाइम का, है ना भरेगा ना 7 पीस है ना। और वैसे भाई देखो अगर आपको ऐसा कुछ चटपटा खाना है ना, तो जो मैंने अभी खाया ना वो ऐसी सारी चीजें खा सकते हो ₹20 में। लेकिन ये हेल्दी है, नहीं छिलका नहीं सॉरी केला वैसे छिलका भी कोई हाँ। तो कोई यूज आता ही होगा। तो आपको हेल्दी खाना है ना तो भाई ये केला सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेट भरने के लिए। वो ही, क्योंकि भाई ₹20 में आपको इतने सारे केले मिल जाएंगे। तो भाई पहले लेवल में आकाश भाई जीत गए। यस। तो अभी बारी है ₹50 की, तो अभी देखते हैं कि ₹50 में अभी मैं क्या लेके आता हूँ। दिखा अभी मैं भी भाई रिवर्स ही कर लूंगा। और एक की एक जगह रिपीट नहीं करनी है, हमने पहले तय किया था। और एक जगह से एक ही चीज लेनी है, वो भी पहले से तय किया था। और एक कैटेगरी की एक ही चीज, ऐसा कुछ भी नहीं। फटाफट दिखा तो ₹50 में क्या गुल खिलाता है विश्व। देखो भाई पानी पूरी की जगह पर लेकर आया भाई, क्या खाएगा भाई। ₹20 की पानी पूरी खाऊंगा, फिर ₹30 का मैं सोचूंगा कि क्या करना है। अरे ऐसे कैसे 20 की खाऊंगा, तेरे को ₹50 खर्च करने हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें ना भैया, ₹20 की पानी पूरी बनाओ, ₹20 की है इससे ज्यादा नहीं। ₹50 में क्या क्या आएगा आपके वहाँ पर। बेल बने थे ₹40 की, बेल है पूरी ₹30 की नहीं मिलती है बेल। मुझे ₹10 की पानी पूरी खिला दो फिर एक बेल भी बना दो। हमारे पास ₹50 ही है, ज्यादा नहीं है। बात क्यों कर रहे हो। अरे सच बोल रहा हूँ, इसके लिए तो ₹50। बात क्यों जरा कभी आती आती जितना खाना था। अरे नहीं नहीं ₹50 का ही खाना है, जो भी खाना है वो विश्व एक हाथ मेरे को खिला सकता है क्या। अरे ओ भाई साहब एक दे देना, एक 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 मैं पेट भर गया मेरा। हाँ कुछ भी नहीं भरता इससे। सही है, हो गया ₹10 का। अभी बेल बना दो। कितनी आई 10 की 4। मैं पेट भर गया भाई 4 पानी पूरी से। चल लू मुझे लगा कि 6-8 पीस आएंगे।
लेकिन ये महंगाई का जमाना है, पहले पूछना चाहिए था ना। ये लो जी हो गई है विश्व की भेल रेडी भाई। ओ भाई साहब लेकिन मेरे को चेक करने दे कितनी हैवी है भाई। हैवी है लेकिन उतनी भी नहीं है विश्व भाई। देखो मेरे 10 रुपए तो ऐसे ही चले गए, चार पानी पूरी आई वो भी छोटी छोटी। लेकिन भाई एक बात बोलू, ये इतना भी हैवी नहीं है कि किसी का पेट भरेगा। मुझे ये ना देख के क्या लगा कि इतना हाईफाई नहीं है ये पानी पूरी का। तेरे को 20 रुपए में तेरे को 20 पूरी मिल जाएगी। नहीं नहीं मुझे लगा था कि भाई 10 रुपए में ना 6-7 पीस तो आ जाएंगे और ये जो भेल है ना वो 20 रुपए की होगी। तो मैंने सोचा था कि भाई एक भेल खाऊंगा, एक सेव पूरी की प्लेट कराऊंगा और पानी पूरी। लेकिन ये भैया बहुत महंगे निकले भाई। मेरे को तो वर्थ नहीं लग रहा इसका 40 रुपया। वही मतलब भेल भले ही अच्छी हो लेकिन भाई पेट भरने के हिसाब से फिर तो ज्यादा है। विश्व का उतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को 40 रुपए में। लेकिन अभी मैं क्या ढूंढता हूँ ना उसके ऊपर से पता चलेगा कि भाई विश्व ने जो 50 रुपए खर्च किए उससे ज्यादा अच्छी चीज और ऐसी संतोषकारक चीज मैं खरीद पाता हूँ या नहीं। चलिए भैया विश्व का 50 रुपए का मामला तो आपने देख लिया कि उसने क्या खरीदा। भाई देखो इसमें जिसका जैसा दिमाग दौड़ेगा ना वैसा वो करेगा। ऐसा नहीं कि वो चीज जो बंदा कर रहा है वो ऐसी परफेक्ट ही होगी और जो खाने का मन करेगा वही खाएगा। मन करेगा वो अलग बात है, हमको मन नहीं, अभी मन के हिसाब से नहीं खाना है, हमको तन के हिसाब से खाना है जो ऐसे हमको आधार दे। तो भाई विश्व की भेल तो पक्का मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि भाई ये एक आपको एक टाइम का खाने का भी संतोष दे पाएगी। हाँ। वो तू भी अग्री करेगा ना। हाँ। अभी मैं तेरे को एक ऐसी चीज खिलाऊंगा ना 50 रुपए में। कहाँ जाना है? कोई भी शॉप पर जाकर या कोई भी ऐसी छोटी मोटी दुकान पर जाकर खड़ी कर दे, मेरी चीज उधर से मिल जाएगी। पता है क्या? पता है बिस्किट वो भी पार्ले जी 50 रुपए में भाई कितने मस्त पार्ले जी आते। और ग्लूको बिस्किट भाई, तेरे को वीकनेस भी हो रही होगी ना, तू खाएगा ना तो एनर्जी फील करेगा भाई। तू 10-10 वाले भी 3 पैकेट लेगा ना और साथ में चाय। चाय नहीं वो अमूल कूल जो फ्लेवर्ड मिल्क नहीं आता, दूध भाई। हाँ। दूध भाई हम बोल क्यों रहे, आपको लेकर दिखाते हैं। वैसे भाई है ना कम पैसों में भाई बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो लोग सेवा करते हैं ना तो 5 रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में ऐसे पूरी थाली भर के खिलाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी हो गई सब कुछ। लेकिन भाई वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई वो चीज जरूरतमंद के लिए है ना। तो भाई वो चीज हम प्रमोट क्यों करेंगे, क्योंकि वो चीज जिसको जरूरत है वो तो खुद जाके खाएगा ही खाएगा। लेकिन हम प्रमोट करेंगे तो जिसको जरूरत नहीं होगी ना वो भी उधर जाके लाइन में खड़ा रहेगा। तो जिसको सच में जरूरत होगी ना वो फिर उधर नहीं जा पाएगा। तो भाई वो चीज हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं इसीलिए कि वो चीज जिसको जानी चाहिए उसके हक में ही जाए। ये आ गया भाई, लग रहा है कि बहुत सारी चीजें लेके आया। भाई भाई ऐसा कैसे यार भाई पार्ले जी में। अरे ये किसने खोला? तूने खोला। ये देख पार्ले जी में और वो भी बड़ा वाला पैक। यानी कि भाई भाई ये ना पूरा फैमिली खा सकता है। एक पैक में 50 ग्राम एक्स्ट्रा है। माय गॉड। तो 2 पैक में 100 ग्राम एक्स्ट्रा है और इसका टोटल वेट बताओ तेरे को 200+50 मतलब 250 ग्राम का ये है। 500 ग्राम जितना केला लाया था उतना ही है ये बिस्किट भी। लेकिन केले से ना ये ज्यादा एनर्जी देगा। हाँ। केला है ना पेट में ऐसे वजन देता है, एनर्जी भी देता है नो डाउट। लेकिन ये चीज ऐसी है ना कि तू ऐसे एक पैकेट खाएगा। देख इसके अंदर है ना 4 पैकेट है और इसके अंदर वो भी आता है ना ग्लूकोज। वही तो बोल रहा हूँ, एक पैकेट के अंदर 4 पैकेट है, इसके अंदर दूसरे 4 पैकेट। मैं साला बोल के क्यों, खा के भी दिखा सकता हूँ ना भाई। टोटल 8 पैकेट बिस्किट। 8 पैक बिस्किट है। ओ हो भाई ये आप एक टाइम में इतना खाओगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ पार्ले जी से है ना बहुत एनर्जी मिलती है। क्योंकि भाई मैंने भी बहुत खाया है लाइफ में, पार्ले जी मेरे को बहुत साथ दिया है। तो भाई ये चीजें कैसी है ना। तो भाई ऐसे टोटल 8 पैक हो गए ना, तुम ही खा लो भाई। भाई ये चीज सच में ऐसी है ना कि इतना खाओगे ना तो आपको लिटरली एनर्जी फील होगी, बॉडी में वीकनेस नहीं लगेगी। और भाई ऐसा 2 पैकेट ले लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपके 2 दिन निकल जाएंगे भाई। एक पैकेट एक दिन चलेगा, 4 टाइम खाओगे तो थोड़े थोड़े टाइम में। हाँ। दूसरा पैकेट दूसरे दिन। साला मैं तो ऐसी ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ ना कि एक टाइम में पेट भरेगा नहीं। मेरे तो देख केले भी कितने सारे थे। तेरे फ्यूचर प्लानिंग है भाई पूरा दिन का, कल का भी। देख केले केले भी भाई 1-2 दिन तक तो अच्छा ही रहता है, कुछ होता नहीं है। ये बिस्किट भाई एक डेढ़ महीना तक भी इसको कुछ नहीं होता है। लेकिन इसको खाने का भी रहता है ना। खाने का रहता है लेकिन ऐसे ही भाई, अगर आप ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में हो तो ये खाना ऐसा है कि आप थोड़ा थोड़ा चुन चुन के खा सकते हो और बाकी का लंबे टाइम तक बचा भी सकते हो। है ना। देखा अपना कमाल। तो अभी बारी है 100 रुपए की, तो अब देखता हूँ मैं कि ये 100 रुपए में मैं क्या क्या चीज ले सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि तू ही जीतेगा ये आज की पूरी चैलेंज।
दो लेवल तो जीत गया हूं, मैं ऑलरेडी जीत गया हूं भाई। फर्स्ट में भी आकाश भाई जीते, सेकंड में भी, अभी थर्ड में भाई मैं कुछ ना लेके 100 रुपए बचा भी सकता हूं। नहीं भाई ऐसा नहीं, खाने की चीज भाई लेनी है, ऐसा नहीं है कि भाई हमको बचाना भी है, लेकिन भाई देखो भाई बड़ा है ना तो एक्सपीरियंस इसको ज्यादा है, तो इसीलिए भाई बाजी मार लेता है हर बार। साले मैंने कम पैसों में सच में लाइफ में बहुत सारी बार पेट भरा है। वही ना भाई, ने ऐसे बहुत बुरे बुरे दिन देखे, वैसे हमने भी देखे लेकिन मैं छोटा हूं। तूने साले तेरे को तो कोई तकलीफ होने नहीं दी आज तक किसी ने घर में भाई, तू तो ऐसे वो चांदी की चम्मच मुंह में रखे। नहीं, ऐसा भी नहीं था, लेकिन भाई ने थोड़े ज्यादा बुरे दिन देखे, मैंने थोड़े कम। उसको बुरे दिन नहीं बोलते, मैंने ज्यादा अनुभव किए, ऐसा बोलते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस है। कोई भी दिन होता है ना, खराब हो या अच्छा हो, आपको एक अनुभव देता है, तो भाई वो अनुभव हमने ज्यादा किया है, तो भाई उसके चक्कर से भाई पार्टी ले लिया, मैं ये सारे लेवल जीत रहा हूँ। अभी मैं 100 रुपए में ऐसी चीज खाऊंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकेगा, और वो चीज ऐसी है ना कि अनलिमिटेड, 100 रुपए में जितना खाना है उतना खा सकते हैं। अनलिमिटेड ओ समझ गया। सेवसर अरे यार भाई हम वडोदरा वाले ठहरे, और वो चीज मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, लेकिन भाई अभी बजट 100 रुपए का है ना, लेकिन वो चीज अनलिमिटेड नहीं खा पाएगा तू। नहीं, उसमें सेव के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, सुन, और पाव के भी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, रसा और फिर वो थोड़ा वो प्याज डाल के तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, खा सकता है भाई। और 100 रुपए में तो भाई ऐसा मेरा पूरा जो पेट है ना ऐसा पूरा भाई फूल जाएगा सच में भाई। इसमें विश्व ने भाई तगड़ी चीज ढूंढी है। अरे भाई इसको बोलते हैं ऊंट पर बैठा हो ना और नसीब में हो ना तो तब भी कुत्ता कट जाता है। भाई ये माकड़ी से उसल बंदे, अभी देखते हैं भाई। भाई आइस गोला की वहां अगर जाते हैं खाने, अबे साले पेट भरने के लिए कोई आइस गोला खाता है कुछ भी, तू साले तेरे तो दिमाग से पैदल ले गया। चलिए भाई अपना महाकाली है ना आगे, वो वाला तो बंद है, तो उसी कॉम्प्लेक्स में विश्व आया है, ये फेमस सेवसर के पास, और दूसरा भी इधर है, किधर गया नो बाजू में, हाँ। अभी ये वो वाला महाकाली नहीं है, लेकिन भाई जो भी इधर तो काम इससे चलाना पड़ेगा, और जिसके पास पैसे कम होते हैं ना एक लिमिट में, वो इतने नाटक नहीं करता कि मेरे को इसका ही खाना है उसका ही खाना है, वही भाई चलो अभी जो मिला है वो से। भाई इधर ये मेन्यू देखो पहले, भाई साहब ये मेन्यू में देखो, सेवसर की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया, और एक पैकेट बंद लोगे ना तो भी 25 रुपए का है ये, तो भाई 65 रुपीज एक पैकेट बन, यानी कि 12 बनाता है टोटल, तो काफी सारे पैसे बच जाएंगे ना तेरे, वही, और साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी सकूंगा, सेव भी एक्स्ट्रा ले सकूंगा। तो भाई फाइनली मेरा ये सेव सड़ आ गया है, देख लो भाई, भाई इसके सेव सड़ में देखो, ये तो भाई चटनी है लाल मतलब तरी है, इसको अगर तीखा करना हो तो अंदर डाल सकते हो, फिर ये हरी प्याज, इसको स्प्रिंग ऑनियन भाई मेन चीज ये सेव सड़ है, और ये जो सेव सड़ का रस आता है ना वो आप अनलिमिटेड ले सकते हो भाई, ये खत्म हो जाएगा तो इसमें से रिफिल करो, और ये ख़त्म हो जाए तो आगे से भी रिफिल करवा दो, तो भाई ये आपको फ्री में मिलता है, और भाई इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है जो हमने ऑलरेडी किया, तो ये हमको चीज़ें टोटल आई है कितने में 75, क्योंकि ये 10 रुपये की एक प्लेट है सेव की, हाँ, भाई ये सेव की एक्स्ट्रा प्लेट इसलिए लिए क्योंकि भाई हम रसा अगर और यूज़ करेंगे तो भाई फिर सेव के बिना तो खाली खाली लगेगा ना, इसलिए सेव लिए, लेकिन फिर भी भाई 75 रुपीज़ में आराम से पेट आपका फुल भर जाएगा, और भी भाई 25 रुपए है, अभी मैं इसके साथ छाछ भी ले सकता हूँ, अगर वो नहीं पीने तो फिर कोल्ड ड्रिंक ले सकता हूँ, और एक्स्ट्रा बन चाहिए तो वो भी ले सकता हूँ, और अगर एक प्लेट और सेव चाहिए तो भी मैं ले सकता हूँ, और विश्व को सेव सर खाते हुए देख कर ना मेरा भी मन कर गया, तो मैंने भी मेरा अलग से सेव सर मंगवा लिया है। क्योंकि भाई सेव सर ऐसी चीज है ना कि भाई अगर देखते है ना सामने किसी को खाते हुए तो फिर खाने का मन करता ही करता है। भाई विश्व ने क्या जबरदस्त चीज खिलाई ना, वैसे विश्व के 75 रुपीज हुए थे, 25 रुपए बच गए थे, तो 25 रुपए में क्या लिया तूने? मैंने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली, अभी सुन भाई ये पीऊंगा ना उसके बाद तो भाई मेरे पेट में इतनी सी भी जगह नहीं बचेगी। वैसे ये चीज ना मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, और मैंने तो छोड़ भी दी है भाई, पिछले कितने टाइम से मैंने सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दिया है, और भाई ये चीज इतनी अच्छी भी नहीं है हेल्थ के लिए, तो भाई जो जो आदत लगा के बैठा है ना उसकी भाई वो थोड़ा कम कर दो, या फिर मैं तो बोलता हूँ मेरे तरह छोड़ ही दो, लेकिन जो भी है भाई विश्व का भाई पेट मस्त भर गया, वो भी 95 रुपीज में, लेकिन भाई ये मेरी चीज ऐसी थी ना कि एक तरह से देखने जाए तो अनलिमिटेड फूड जैसा था। हाँ देखो उसमें एक पैकेट बंद मिलता है 12 पीस, भाई उसमें से तो भाई कैसा भी बंदा हो ना उसका पेट भर जाएगा, और अगर नहीं भी भरता ना तो भी एक और पैकेट आ जाता तो भी भाई 100 रुपए में 2 पैकेट बंद, और सेव तो अनलिमिटेड रहता है, सेव एक प्लेट आएगी, और भाई ये फिर सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आ पाता क्योंकि उसमें 100 रुपए पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो भी है भाई सेव शर्ट भाई ऐसे मतलब देखे ना तो इतना हैवी होता है ना खाने में, तो भाई ये सेव शर्ट आप एक टाइम ऐसे पेट भर के खा लोगे ना तो दिन में दूसरा कुछ आप पक्का नहीं मांगोगे, है ना भाई? मेरा अभी काम तमाम हो गया,
तो विश्व ने तो भाई 100 रुपए का बेहतरीन फायदा उठाया। अभी देखते हैं कि मैं क्या ढूंढ के लाता हूँ 100 रुपए में कि विश्व को कड़ी टक्कर दे पाऊं। भाई मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत कुछ सोचा, लेकिन भाई विश्व ने थर्ड लेवल में जो बाजी फेंकी है ना, वो उसका जो पैतरा, उसने जो चाल चली है ना भाई, उसकी टक्कर में मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा सच में। वैसे देखने जाए तो 100 रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। आप चाहो तो भाई उसमें क्या बोलते हैं, पाव भाजी खा सकते हो, फिर जो पैटीज आती है पफ, वो 10-10 रुपए के मिलते हैं, वो भी 10 पीस आ सकते हैं, फिर समोसे बहुत सारे आ सकते हैं, वड़ा पाव बहुत सारे आ सकते हैं, फिर आप सैंडविच भी खा सकते हो, फिर आप कोई डोसा भी खा सकते हो, बहुत सारी चीजें भाई। 100 रुपए एक ऐसी अमाउंट है ना, उसमें से आपको अगर ढूंढने जाओगे ना तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन कोई छोटी मोटी रेस्टोरेंट में एक फिक्स थाली भी मिल जाएगी, लेकिन भाई वो बोलता हूँ ना, वो फिक्स थाली है, ऐसा अनलिमिटेड वाला या फिर ऐसे दम दबा के खाने वाला कोई चीज नहीं है। ये जो सीओ सेट था ना भाई, वो अलग ही था, खतरनाक बाजी फेंक दी। तो भाई मैं तो बहुत सारा कुछ लेकर कुछ ना कुछ तो दिखा ही सकता था आपको, फिर सोचा कि भाई कुछ ना कुछ दिखाने से फिर सेंस नहीं बनती ना, तो भाई विश्व ने जो बाजी फेंकी है उसके टक्कर में सच में मेरे को लिटरली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो भाई ये तीसरा लेवल भाई विश्व को सलाम करता हूँ और जीता देता हूँ। तो आज भाई मुझे व्हाइट वॉश नहीं दे पाया, क्योंकि भाई सिर्फ ये दो ही लेवल जीता है, तीसरे लेवल में गड़बड़ हो गई। लेकिन वैसे देखने जाए ना तो पहले दो लेवल में जिस तरीके से जीता हूँ ना भाई, वो तो ऐसा खतरनाक है। क्योंकि भाई सच में वो चीजें ऐसी है ना कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो या फिर मतलब कुछ भी, आप समझो आपको पैसे बचाने हो, कम पैसे हो, कम खर्चे में आपको ज्यादा दिन गुजारने हो, तो भाई ये सारी चीजों से आप वो चीज कर सकते हो। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि विश्व ने जो चीज पसंद की थी ना पहले और दूसरे लेवल में, वो चीज ऐसी थी कि भाई अभी खरीदी और अभी खाई, मतलब ऐसी नहीं थी कि थोड़ी बचा के भी रख सकते थे। और ये भाई की चीज ऐसी थी कि भाई अगर भाई का भी पेट भर गया है तो भाई घर किसी और के लिए बचा के रख सकता हूँ, या फिर बाद में खाने के लिए बचा के रख सकता हूँ, उसको मैं दूसरे दिन भी खा सकता हूँ। वही। और एक बात कि अगर आपके पास 20 रुपए होते हैं तो आप 20 रुपए में क्या क्या खाना खा सकते हो, वो नीचे काउंटर में लिखकर 20 में क्या खा सकते हो, 50 में क्या, और 100 में क्या, आप क्या खा सकते हो जरूर बताना। और हम दोनों की जो चीजें हमने ली थी उससे टक्कर वाली चीज, तो फटाफट कमेंट करके बताना। तो अगर हमारे ये आइडिया से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी, जो भी कोई देख रहा है उसकी, तो भाई एक लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करना। और मेरी जगह आप होते तो 100 रुपए में क्या लेते जो विश्व को टक्कर दे देता, मतलब उसके सेवसर को, वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज की ये चैलेंज यहीं पर खत्म करते हैं। आपको आज की चैलेंज कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।